2027 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने बैजनाथ रावत जी को जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष जो है नॉमिनेट किया है और ऐसे मौके पर भूलभुलिया स्थित के आवास पर हैं। आइए जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस रणनीति में आगे वो काम करेंगे, किस प्रकार जो वोट बैंक था उसको धरातल से वापस लेके आएंगे जो है भाजपा की ओर। अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत बधाई, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के बारे में जिन्होंने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और माननीय योगी जी को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमको इतना उत्तरदायित्व सौंपा। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो दायित्व मुझे मिला पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ हम उसका निर्वहन करेंगे और जो हमारे सामने आएंगे काम वो हम बिना रुकावट के सब उनको संपन्न कराएंगे। ये सेवा भाव हमारे मन में हमेशा रहा है और ये जो जिम्मेदारी दी है ये सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि हमारे योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमको सेवा करने का एक नया काम दिया है। हम MLA MP मिनिस्टर तो रहे लेकिन आयोग में भेज करके जो हमको नई जिम्मेदारी दी है हम पूरा प्रयास करेंगे, उसमें पूरी निष्ठा के साथ हम सफल हों और नेतृत्व को हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ है कहा जा रहा है कि उसमें जो अनुसूचित जात का वोट बैंक था वो खिसक गया और भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ। डैमेज कंट्रोल की अगर बात करें, इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार जी ने योगी जी ने आपको दी है तो उस डैमेज कंट्रोल की भरपाई कैसे करेंगे? जो दलित समाज की बात आपने की है ये जो गया वो दलित समाज ही नहीं गया है, कांग्रेस के इंडी गठबंधन में सबको भ्रमित किया। कभी कहा कि हम 8,500 रुपये खटा खटा आ जाएंगे और गांव में प्रोफार्मा फर्जी भेज करके उन्होंने फार्म ही भरवाए कि फार्म भर दो तुम्हारा पैसा आ जाएगा, तो लोगों को भरोसा हो गया बात सही है। कोई नहीं समझ पाए कि उनकी सरकार बननी ही नहीं है तो बिना मतलब के लिए ये फार्म से भरवा रहे हैं। तो दलित समाज चला गया भाजपा छोड़ के, ये हम कहे अपनी भाषा में कहेंगे कि रूमर ज़्यादा असलियत कम है। भ्रमित हुआ सारा समाज, वो जो माइनस हुआ हर समाज को गया लेकिन अब तो पूरी तरह से दलित समाज हो चाहे सारा समाज जो समझ गया कि ये लोग वक्ती चुनाव में भ्रमित करके ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने आए थे और अब दलित समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस आ गया, अब इनके बहकाव में नहीं आने वाला है। यहाँ तक तो आसपास के जो कांग्रेसी नेता हैं उनके यहाँ लोग जाते, तुमने कहा था इतना रुपया आएगा हमको रुपया देते तो मांगने भी जाते हैं और वो शर्मिंदा होते हैं। मिलाकर चले गए हैं तो असलियत सामने आ गई है। इसलिए दलित समाज भारतीय जनता पार्टी का पूरा है और जो थोड़ा क्षेत्रीय नेता दलित समाज के नए नए पैदा हुए हैं वो अपनी जात बिरादरी को प्रभावित कर सकते थोड़ा बहुत, लेकिन मूल रूप से सबसे अधिक दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 2027 में भारतीय जनता पार्टी जीतने सीटें थी उससे ज़्यादा जीतेंगी। क्या मान के चले 2027 में पुनरावृत्त होगी कि BJP सरकार की होगी? मुझे लगता कि जितनी सीटें पहले थी उससे ज़्यादा आएंगी। कारण उसका यह है कि जो इंडी गठबंधन से झूठ बोल के दलितों को छला है वो दलित नाराज है कि हमसे झूठ बोले थे, इसलिए जो उनके साथ था वो सब उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी साथ आएगा और योगी जी पुनः भारी मतों से विजय होकर सरकार बनाएंगे। आजकल छोटे छोटे संगठन बन गए, 1 लाख नारी है, चंद्रशेखर जी हैं, ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को अपनाना चाहते हैं, ऐसे में उन पर जो सेनवारी कर रहे हैं उन पर लगाम कैसे लगाएं क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? आदमी हम लोग राजनीति करते हैं, व्यक्ति वही हमसे पूछ जाएगा जो मेरा पसंद नहीं, तो उनकी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी में से नहीं लगेगी। जो भाजपा को नहीं पसंद करते वो एक दल में नहीं रहकर चार जगह जाएंगे, वोट का बंटवारा होगा दलित समाज का और भारतीय जनता पार्टी का जो दलित लगाए साथ लगेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत चुनाव जीतेगी। तो एक बार फिर से बैजनाथ जी को अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जनता की राजनीति करते हैं, जनसेवक हैं और दलित जो है वो वोट बैंक जो हमेशा भाजपा का था वो कहीं नहीं गया है, भले वो छला गया है बीच में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं लुभावने वादे चाहे राहुल जी के हों अखिलेश जी के, उनसे वो छलावा हुआ है। आने वाले 27 में एक बार फिर से भाजपा भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है। कैमरामैन सतीश कुमार के साथ आलोक श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश टाइम्स, बाराबंकी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।